हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्यूटी टॉक चैनल। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आजकल हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन बहुत सुंदर हो, निखरी हो, मुलायम हो और हेल्दी हो। और अगर इस स्किन में रूखापन आ जाए, ये बेजान हो जाए, स्किन पे दाग धब्बे हो जाए, तो स्किन की रौनक ही चली जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी भी हो सकती है और त्वचा के खराब होने का कारण होता है धूल, मिट्टी, प्रदूषण, स्ट्रेस और खाने में पोषक तत्वों की कमी। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि नेचुरल तरीके से हम अपनी त्वचा को कैसे निखार सकते हैं और कैसे एक सुंदर और हेल्दी स्किन पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चावल का आटा जो होता है वो त्वचा का रंग निखारने में और त्वचा में चमक लाने में बहुत ही यूज़फुल होता है। चावल का आटा धूल, पॉल्यूशन और धूप से स्किन में होने वाले डैमेज से स्किन को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही नई हेल्दी स्किन सेल्स बनने में भी मदद करता है, और उस वजह से ये एजिंग की प्रोसेस को भी धीमा करता है। एक चम्मच चावल का आटा ले, उसमें पेस्ट बन जाए उतनी मात्रा में कच्चा दूध और हाफ टी स्पून शहद मिलाएं और इस पेस्ट को अपने फेस पे अप्लाई करें और 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। थोड़ा सूखने के बाद इसे हल्के हाथों से नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। लगातार कुछ दिन ऐसा करने से त्वचा में निखार आ जाएगा और त्वचा का कालापन दूर हो जाएगा और त्वचा में चमक आ जाएगी। दोस्तों, स्किन के लिए अंगूर भी बहुत अच्छे होते हैं। अंगूर का नियमित सेवन करने से स्किन में जो दाग धब्बे होते हैं वो दूर हो जाते हैं। सेंधा नमक जो होता है वो भी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, सेंधा नमक से स्किन को हल्के हाथों से मसाज करने से स्किन की डेड सेल्स निकल जाती है, उस वजह से स्किन यूथफुल लगती है। पपैया भी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये भी स्किन में बहुत अच्छा निखार लाता है। पपाया की पेस्ट में आधा चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और इस पेस्ट को अपने फेस पे लगा लें और 20 मिनट बाद चेहरे को नॉर्मल वाटर से धो लें। इससे पिंपल्स के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और झुर्रियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आज मैंने जो आपको ब्यूटी टिप्स बताई हैं वो स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। और साथ ही मैं अपनी डाइट का और अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।